Hello students, in the last video we have studied about the generation of amplitude modulation. Now in this video we will study demodulation techniques of amplitude modulation, and the first technique is square law demodulation. Okay, so square law demodulation kya hota hai, iska block diagram kya hai, ye technique aapki kis tarah se work karti hai, ye sari cheeze hum log study karenge in this topic. Okay, so first is square law demodulation. Okay, so hame pata hai ki hame kya karna hai yahan par, hame amplitude modulated waveform se message signal generate karna hai, means hame demodulation perform karna hai. Demodulation receiver ke side hota hai, ye hame pehle se hi clear hona chahiye. Okay, so demodulator ka ya bol sakte hain receiver side ka input jo hoga aapka wo kya hoga, aapka am waveform hogi. ओके, एंड जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आपका मैसेज सिग्नल होगा. ठीक है ना, यही हमारा एम होता है डीमॉड्यूलेशन का. ठीक है, कि जो आपने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया था ट्रांसमीटर साइड, रिसीवर साइड आप क्या करें, उसी मॉड्यूलेशन से आप मैसेज सिग्नल अचीव कर लें. ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं ये टेक्निक है क्या. तो अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करूं, तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक यहां पर होता है वो होता है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का. ठीक है, और उसका इनपुट क्या होता है, आपका एएम सिग्नल. ना इसके बाद जो आपका होता है ब्लॉक वो होता है लो पास फिल्टर. ओके, ना लो पास फिल्टर हमने क्यों यूज किया ये आप मुझे बताइए. लो पास फिल्टर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मैसेज सिग्नल चाहिए आउटपुट में, और मैसेज सिग्नल क्या होता है, आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है. ओके, सो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम लो पास फिल्टर के थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे, और बाकी सारी हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ओके, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम लोग अपनी थ्योरी में, जो हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी की थी, हमने कंसीडर की थी एफएम. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि 0 to FM तक की सारी फ्रीक्वेंसी पास हो जाए, और एफएम से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, आपकी रिजेक्ट हो जाए. ओके, सो लो पास फिल्टर की जो रेंज है वो क्या होगी, 0 to FM हो जाएगी. क्लियर है पॉइंट. तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम होता है आपका स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का. नाउ अब अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड एएम वेव कंसीडर करूं एज अ इनपुट टू स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, तो कितना हो जाएगा आपका एसी 1+KAMT कॉस ओमेगा सीटी. ओके, नाउ यहां पर आपका एक स्क्वायर लॉ डिवाइस है, और स्क्वायर लॉ डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखी हुई है जब हमने जनरेशन ऑफ एएम पढ़ा था. स्क्वायर लॉ डिवाइस की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है V0 इज इक्वल टू AVI प्लस BVI का स्क्वायर, वेयर V0 इज द आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस, जो यहां पर मैं V1 कंसीडर कर लेता हूं, और VI इज द इनपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ डिवाइस, जो कि यहां पर ST है. क्लियर है पॉइंट. तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए V0 इज इक्वल टू A into VI. VI कितना है आपका AC 1+KAMT cos ओमेगा CT. ठीक है, तो आप लिख दीजिए AC 1+KAMT cos ओमेगा CT. क्लियर है पॉइंट. नाउ प्लस BVI का स्क्वायर. ओके, सो VI का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC² 1+KAMT² cos² ओमेगा CT. क्लियर है पॉइंट यहां तक आपको. नाउ अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, तो V0 क्या हो जाएगा, AAC cos ओमेगा CT प्लस AAC KAMT cos ओमेगा CT. ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा आपका BAC² cos² ओमेगा CT प्लस कितना हो जाएगा आपका BAC² KA² MT cos² ओमेगा CT प्लस हो जाएगा आपका 2BAC² ओके इनटू KA MT cos² ओमेगा CT. क्लियर है, हमने क्या किया, बेसिकली A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी नहीं. क्लियर है. नाउ
V0 जो है आपका, आप देखिए V0 जो ब्लॉक डायग्राम से है वो आपका V1 है, ठीक है ना। और V1 क्या है आपका, लो पास फिल्टर का क्या है आपका, इनपुट है, ठीक है। तो V0 और V1 दोनों ही आपकी क्या है यहां पर, सेम चीज है। नाउ अब जो आपका लो पास फिल्टर है उसकी रेंज क्या है, 0 to FM है। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 by 1 जैसा हमने जनरेशन ऑफ AM में देखा था, 1 by 1 हमें हर एक टर्म को फिल्टर से पास करा के देखना है कि क्या टर्म्स आपके फिल्टर से पास होंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। नाउ अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूं कॉस ओमेगा सीटी वाले को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, एफसी है। तो क्या आपकी एफसी फ्रीक्वेंसी एफएम से ग्रेटर होती है कि लेस होती है, ऑब्वियसली बात है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो मैसेज सिग्नल से मच ग्रेटर होती है। तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लो पास फिल्टर की प्रॉपर्टी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 to FM तक की ही फ्रीक्वेंसी पास करेगा, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी वो पास नहीं करेगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम आप देखिए AACKA MT cos ओमेगा CT। देखिए आपको पता है AACKA जो है वो कांस्टेंट है, तो जो आपका टर्म है वो क्या है, MT into cos ओमेगा CT। ओके मींस आपके क्या होंगे, आपके एमटी की फ्रीक्वेंसी जो है एफएम है और कॉस ओमेगा सीटी की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इफ टू सिग्नल्स आर मल्टीप्लाइड इन टाइम डोमेन देन देयर फ्रीक्वेंसीज विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी एफसी प्लस एफएम एंड एफसी माइनस एफएम, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए, एफसी प्लस एफएम तो कभी भी एफएम से लेस नहीं हो सकता, तो एफसी प्लस एफएम वाला टर्म तो हर हाल में रिजेक्ट होगा ही होगा, क्लियर है पॉइंट। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं फिर से, जैसा मैंने आपको जनरेशन ऑफ एएम में दिया था। सपोज करिए मैं एफसी को कंसीडर कर रहा हूं 1 MHz और एफएम को कंसीडर कर रहा हूं 1 KHz, क्योंकि एफसी इज मच ग्रेटर देन एफएम, ठीक है। तो आपको पता है जो एफसी प्लस एफएम है वो कितना हो जाएगा आपका, 1000 KHz + 1 KHz, 1001 KHz, एंड एफसी माइनस एफएम ये हो जाएगा आपका 999 KHz, क्लियर है पॉइंट। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में आपका जो एफएम है वो लेस होगा, एफसी प्लस एफएम भी ग्रेटर होगा एंड एफसी माइनस एफएम भी क्या होगा, बहुत ग्रेटर होगा आपका। तो ये दोनों टर्म भी आपके क्या हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसीज भी आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी जो आपकी इस टर्म से जनरेट हो रही थी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टर्म को देखिए आप, ये क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 + cos 2θ / 2, ठीक है। अगर यहां पर इस टर्म को मैं साइड में आपके लिए लिख दूं तो कितना हो जाएगा, BAC² / 2, ओके 1 + cos 2ωCT, क्लियर है आपका, यही हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए जो BAC² / 2 जो आपका फर्स्ट टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 0 है, ठीक है। तो 0 तो 0 to FM के बीच में आएगा, तो ये आपका पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड टर्म की अगर बात करूं तो मैं 2 FC है, 2 FC तो बहुत बड़ा हो जाएगा FM से, तो यहां क्वेश्चन ही नहीं है आपके लिए, ठीक है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां से आपका एक टर्म पास हो रहा है BAC² / 2 वाला। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, पहले मैं लास्ट टर्म को कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर देखिए यहां पर फिर से यहां कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, 1 + cos 2ωCT, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर, और डिवाइडेड बाय 2 भी करना है आपको, ठीक है, तो आप यहां डिवाइडेड बाय 2 भी कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 2BAC² KMT / 2, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। तो यहां पर जो ये स्टार्टिंग के जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ एमटी ही सिग्नल है, एमटी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, एफएम होती है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म है वो पास हो जाएगा, एक्चुअल में हमें यही तो चाहिए एमटी आउटसाइड में, आउटपुट ऑफ द मैसेज सिग्नल में वी वॉन्ट एमटी, दैट्स इट, यही तो हमारा एम है, इसी के लिए तो हमने लो पास फिल्टर डिजाइन किया है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो वो 0 to FM तक की पास हो जाए। तो यहां पर आपका एफएम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। नाउ
अब अगर आप इस टर्म को देखिए, एम टी इंटू कॉस टू ओमेगा सी टी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2fc प्लस fm एंड 2fc माइनस fm। अगर आप ये इस टर्म को देखें एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी वाले को, तो जब आपकी fc प्लस fm एंड fc माइनस fm पास नहीं हुई, तो 2fc प्लस fm एंड 2fc माइनस fm तो पास होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो आपका ये सेकेंड टर्म है यहां पर भी, वो भी क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब आप इस टर्म को देखिए जो आपका रिमेनिंग रह गया है। देखिए यहां पर फिर से कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप फिर से क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप देखिए ये फर्स्ट टर्म है आपका बी ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय 2, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पास होगा कि नहीं होगा, इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूं। क्लियर है पॉइंट? अब आप ये सेकेंड टर्म को देखिए, सेकेंड टर्म जो है क्या है आपका कॉस 2 ओमेगा सी टी, और यहां पर एम स्क्वायर टी है। हमने जनरेशन में पढ़ा था जो एम स्क्वायर टी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, माइनस 2fm से प्लस 2fm। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव साइड बोलें तो क्या होगी, 0 to 2fm। ठीक है ना, जनरेशन में हमने ये बात कंसिडर की थी। तो आप यहां पर देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एम स्क्वायर टी मतलब क्या होगा, एम टी इंटू एम टी, तो यहां पर दो एम टी आपके मल्टीप्लाइड है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एम टी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, fm होती है, तो fm प्लस fm 2fm एंड fm माइनस fm 0, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0 to 2fm। क्लियर है अच्छे से? राइट, नाउ आप देखिए 2fm प्लस 2fc एंड 2fc माइनस 2fm बहुत ही ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका कोई चांस नहीं है। एक तरह से आपको यहां से एनालिसिस मिला होगा कि जहां जहां पर एफसी दिख रहा है वहां तो कोई चांस ही नहीं है पास होने का। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपके टर्म्स पास हुए हैं वो हुए हैं आपके, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो एक टर्म तो आपका ये वाला है बी ए सी स्क्वायर बाय 2 डीसी टर्म, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, 0 होती है, और एक टर्म आपका ये वाला है 2b बाय 2, क्या लिखेंगे आप, बी ए सी स्क्वायर के ए एम टी, ओके यही टर्म था आपका। तो ये दोनों टर्म बिल्कुल आपके श्योर हैं कि ये दोनों आपके पास होंगे ही होंगे। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर इस टर्म की जिसे मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, तो इसकी क्या मीनिंग है, ये टर्म क्या है आपका, बी ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय 2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एम स्क्वायर टी की फ्रीक्वेंसी तो आपकी माइनस 2fm से प्लस 2fm होती है, ठीक है ना, या पॉजिटिव साइड देखें 0 to 2fm होती है, और हमने लो पास फिल्टर जो है वो 0 to fm तक का ही डिजाइन किया है, तो ये टर्म भी तो बहुत इजीली रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम इसे क्यों होल्ड पे रखे हुए हैं, हम इसे डायरेक्ट रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके सामने। तो मैं यहां पे आपको क्लियर करने जा रहा हूं, अगर आप जनरेशन वाली वीडियो देखें मेरी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने केस 1 में एम स्क्वायर टी वाले टर्म को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन केस 2 में कंसिडर किया था, मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए थे, तो यहां पर भी मैं दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने जा रहा हूं। केस 1 में सपोज करिए आउटपुट का ये आपका केस 1 है जिसपे मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं, और केस 2 में मैं कंसिडर करूंगा। एक्चुअल में एम स्क्वायर टी मतलब जब भी आपको मैसेज का स्क्वायर दिखाई दे किसी भी इक्वेशन में, तो वो एक तरह से आपका एक अनवांटेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और अनवांटेड पार्ट का मैथमेटिकल एनालिसिस हमें कर लेना चाहिए, उस टर्म को कंसिडर करते हुए हमें उस टर्म का मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेना चाहिए कि अगर वो अनवांटेड पार्ट कभी आपके आउटपुट में आ जाए तो उसे हम कैसे नेग्लेक्ट करेंगे। सिर्फ इसीलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसा हमने जनरेशन ऑफ एएम में एनालिसिस किया था, तो जब हमने केस 1 लिया था तो हमने एनालिसिस नहीं किया था एम स्क्वायर टी वाले टर्म का, तो वहां पर हमें कोई कंडीशन नहीं मिली, लेकिन केस 2 में जब हमने एनालिसिस किया तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मिली थी कि जो आपका एफसी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 3fm होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला था स्क्वायर लॉ जनरेशन टेक्निक से। सेम यहां पर भी ये अनवांटेड पार्ट है, ये कभी भी आउटपुट में नहीं आना चाहिए, और अगर आप लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी वाइज भी देखोगे तो ये टर्म आपका नहीं आएगा, लेकिन सपोज कभी आ गया तो, इसीलिए हम लोग केस 2 यहां पर क्रिएट करेंगे, अदरवाइज
केस वन ही आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर है। नाउ यहां पर आप ध्यान से समझिए इसे, ये जो आपका केस वन है उसमें आपका जो आउटपुट है एम्प्टी तो आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म से आपको इतना मतलब नहीं रखना है, वो आप एम्पलीफायर वगैरह के थ्रू आप कैंसल आउट कर सकते हो, बट जो यहां पर मेन है डीसी टर्म प्लस में, उसका क्या होगा, हमें तो सिर्फ एम्प्टी वाला टर्म ही चाहिए था, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देने जा रहा हूं कि जो किसी भी रिसीवर का लास्ट ब्लॉक होता है वो होता है आपका एम्पलीफायर, और जो एम्पलीफायर होता है वो डीसी टर्म को पास होने नहीं देता है, डीसी टर्म को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपका लो पास फिल्टर का आउटपुट ही आउटपुट था, बट एम्पलीफायर ब्लॉक हर एक रिसीवर में प्रेजेंट होता है। इसका एनालिसिस हम इसलिए अब शो कर रहे हैं यहां पर क्योंकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि डीसी टर्म किस तरह से नेग्लेक्ट हुआ है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपका जो केस वन है उसके थ्रू जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आउटपुट वन इज इक्वल टू, देखिए आप यहां से आपका डीसी टर्म रिजेक्ट हो गया एम्पलीफायर के थ्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ए सी स्क्वायर के ए एम टी, ओके ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है पॉइंट। नाउ यही आपका डिजायर्ड आउटपुट है क्योंकि आपको आउटपुट में क्या चाहिए था, मैसेज सिग्नल ही चाहिए था। नाउ अब अगर मैं यहां पर केस टू कंसिडर करूं, केस टू क्या होगा जब मैं यहां पर एम स्क्वायर टी का अफेक्ट भी ले लूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली ही आउटपुट वन ले रहा हूं, इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे कि मैं डीसी टर्म को रिजेक्ट करके ही चल रहा हूं, ठीक है। तो आपके टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक टर्म आपका सेम हो जाएगा यही वाला बी ए सी स्क्वायर के ए एम टी प्लस, अब एक टर्म आपका एम स्क्वायर टी वाला होगा, वो क्या है ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर वन बाय टू है ना, तो क्या लिखेंगे बी ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो लिख लीजिए यहां पर बी ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू, ये आपका एक टर्म क्रिएट हो गया यहां से, ठीक है। नाउ ये जो आपका टर्म है ये वाला फर्स्ट वाला, ये आपका एक्चुअल में सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो सेकेंड टर्म है जो अनवांटेड टर्म है, अनवांटेड मीन्स वॉट नॉइस, तो ये टर्म आपका नॉइस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग क्या है, केस टू में हमने नॉइस को भी कंसिडर कर लिया है और नॉइस तो अनवांटेड है, उसका अफेक्ट हमने यहां पर कंसिडर किया है जिससे हम ये कंडीशन अचीव कर सके कि अगर नॉइस आ जाए तो हम उसे कैसे उसके अफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, अगर मैं सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज यहां से करता हूं, तो आप करके देखिए एक बार, सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज, ओके, तो यहां पे जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, देखिए बी ए सी स्क्वायर के ए एम टी, ओके, तो बी ए सी स्क्वायर के ए एम टी, एंड जो आपकी नॉइज वाला टर्म है वो कितना है आपका बी ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय टू, तो बी ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टू है, तो टू को आप इस तरह से लिख दीजिए, आप यहां देख सकते हैं बी एंड बी कैंसल आउट, ए सी स्क्वायर कैंसल आउट, सिंगल के ए भी कैंसल हो जाएगा एंड सिंगल एम टी भी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचेगा यहां पर, टू अपॉन के ए एम टी, ठीक है, ये आपका आ गया सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइस, ओके। नाउ यहां पर अगर मैं एनालिसिस करने के लिए सिंगल टोन मॉड्यूलेशन को कंसिडर करूं, तो वो होता है आपका एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ओके, तो यहां से आपका सिग्नल डिवाइडेड बाय जो नॉइज है वो हो जाएगा टू अपॉन के ए एम कॉस ओमेगा एम टी, क्लियर है अच्छे से। इसको हम लिख सकते हैं टू अपॉन के ए इंटू ए एम, क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंटू कॉस ओमेगा एम टी, ओके। आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं अगर मैं सिग्नल की वैल्यू ग्रेटर चाहता हूं नॉइस से, या मैं चाहता हूं सिग्नल का अफेक्ट मच मच ग्रेटर हो नॉइस के अफेक्ट से, तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो बहुत हाई होना चाहिए, और डिनोमिनेटर पार्ट कब हाई होगा, जब एम ए क्या होगा आपका लो होगा, क्लियर है पॉइंट अच्छे से।
समझ में आ रही है ना बात आपको? देखिए सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज है, कितना है? 2 अपॉन एम ए कॉस ओमेगा एम टी। तो एम ए आपका जितना लो होगा, ठीक है, सिग्नल आपका क्या होगा, उतना ही हाई होगा। सिग्नल की वैल्यू आपकी उतनी हाई होगी और नॉइज का इफेक्ट उतना ही लेस होगा, ठीक है। तो यहां पर इस टेक्निक को अगर आप यूज करना चाहते हैं और नॉइज के इफेक्ट को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि जो एम ए हो वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए आपका, लेस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन मिल रहा है आपको, बट आपने 2-3 वीडियो पहले पढ़ा हुआ है कि फॉर अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन एम ए शुड बी हाई, ठीक है ना। एम ए आपका बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हमने जब मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था और जब हमने पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, तो हमने एम ए की वैल्यू पहले 1 ली थी। एम ए की वैल्यू 1 में क्या हो रहा था, कैरियर पावर 66.67% था और साइड बैंड पावर 33.33% था। फिर जब हमने एम ए की वैल्यू 2 ली, तब आपका जो साइड बैंड पावर है वो 66% हो गया और जो आपका कैरियर पावर है वो 33% हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम एम ए की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, साइड बैंड पावर, दैट इज कॉल्ड यूजफुल पावर, इज इंक्रीज्ड, परसेंटेज बोल सकते हैं आप, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। तो यही था हमारा अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंक्लूजन ये है कि एम ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कंक्लूजन ये भी है कि एम ए की वैल्यू लेस होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू यूज स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है। तो इसीलिए जो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन टेक्निक है वो आपकी इतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको एम ए की वैल्यू लेस लेनी पड़ती है, और जबकि आप अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम ए की वैल्यू हाई रखना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग और भी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स की स्टडी करते हैं, लाइक एनवेलप डिटेक्टर एंड कोहरेंट या सिंक्रोनस डिटेक्टर, ओके। तो इन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स की स्टडी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इस स्टडी में या इस मॉड्यूलेशन टेक्निक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।